वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। हमारी लास्ट टू वीडियोस हमने लिवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर बनाई थी। फर्स्ट वीडियो में हमने लिवर के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और सेकेंड वीडियो में हमने लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्कस किए थे। जिसने हमारी लास्ट टू वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, उससे आपके लिए ये वीडियो समझना और इजी हो जाएगा। एमसीक्यूज एलएफटी पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइल इज़ सिक्रेटेड बाई विच ऑर्गन। बाइल एक फ्लूइड होता है जो कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, तो वो कहाँ सिक्रीट होता है? ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है गाइस लिवर। बाइल हमारा लिवर में सिक्रीट होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच बिलिरुबिन इज़ वाटर सॉल्यूबल एंड नॉन टॉक्सिक। ऑप्शंस हैं स्टर्कोबिलिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसका आंसर है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्यूबल होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ एएसटी यानी कि एस्पिरेट ट्रांसएमिनेज, जिसको कि हम एसजीओटी भी कहते हैं, जो कि एक सीरम एंजाइम है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है? ऑप्शंस हैं 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 5 to 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर या फिर 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इसका आंसर है 5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इनलार्जमेंट और स्वेलिंग ऑफ लिवर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं लिवर सिरोसिस, हिपैटिक पेन, हेपेटाइटिस या फिर हिपैटोसिरोसिस। तो इसका आंसर है गाइस हेपेटाइटिस। जब लीवर कोई इनलार्जमेंट या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ बिलिरुबिन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिलिरुबिन जब हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से फॉर्म होता है तो वो कौन से सेल्स में फॉर्म होता है? आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो लिवर, बोन मैरो और स्प्लीन इन सब में फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज फॉर असेसिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, यानी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? ऑप्शन है वैंडनबर्ग रिएक्शन, एल्कलाइन फॉस्फेटेड टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट या फिर हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। जिसने भी लास्ट वीडियो देखी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस को हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर के लिए यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजोबिलिरुबिन इज डैश इन कलर इन एसिड मीडियम। ऑप्शन है रेड, पर्पल, येलो या फिर ऑरेंज। इसका आंसर है पर्पल, जो कि वैंडनबर्ग रिएक्शन में एजोबिलिरुबिन पर्पल कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंडीशन देयर इज येलो कलरेशन ऑफ आई एंड सम पार्ट्स ऑफ द स्किन। कौन सी कंडीशन में आई और स्किन के कुछ पार्ट्स का कलर येलो हो जाता है? ऑप्शंस हैं अनेमिया, जॉन्डिस, यूरिनेमिया या फिर सिरोसिस। तो इसका आंसर है गाइस जॉन्डिस, जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और सबको पता है इसमें येलो कलर हो जाता है आईज़ का या फिर स्किन का। और ये बिलिरुबिन की जब कंसंट्रेशन 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो जॉन्डिस कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज डेंजरस एंड हैज़ नो वैक्सीनेशन। कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जैसे कि चार तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। उनमें से कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा डेंजरस है और जिसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है? ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस
डी, इसका आंसर है हेपेटाइटिस सी। आगे मूव करते हैं, 10th क्वेश्चन इज बिलिरुबिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शंस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजन। अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें बताया था कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वाटर सॉल्युबल होता है और अनकॉन्जुगेटेड इनसॉल्युबल, तो इसका आंसर होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज असेंशियल फॉर एडुकेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। ऑप्शंस आर फैट, विटामिन के, एंजाइम या फिर बोथ वन एंड टू। इसका आंसर है बोथ वन एंड टू, यानी कि फैट और विटामिन के जो हैं वो बाइल की रीअब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन इन द सीरम। ऑप्शंस हैं ब्रोमोसल्फाथिओलिन टेस्ट, वैंडनबर्ग रिएक्शन, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर इम्प्यूरिक एसिड सिंथेसिस। इसका आंसर है गाइस वैंडनबर्ग रिएक्शन। वैंडनबर्ग रिएक्शन को हम बिलिरुबिन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ जॉन्डिस द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज। ऑप्शंस आर बिटवीन 1 to 2 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी मोर देन 2 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी लेस देन 2 mg पर डेसीलीटर या फिर ऑप्शन डी लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर। इसका आंसर है गाइस मोर देन 2 mg पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज बिलिरुबिन की होती है 0.2 to 1 mg पर डेसीलीटर, और जब भी ये रेंज 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इस केस इस कंडीशन में हम जॉन्डिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग द लीवर डैमेज और इम्पेयरमेंट। इसके ऑप्शंस हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब लीवर डैमेज के टाइम पे ये सारी कंडीशंस होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज रेगुलेटेड बाय। ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम। इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि बाइल हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, उसका आंसर था लीवर, और रेगुलेट कहाँ पर होता है गॉल ब्लैडर, यानी कि बाइल हमारा लीवर से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर पर रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रांसपोर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू द लीवर। ऑप्शंस हैं ALP, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर AST। इसका आंसर है गाइस एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो हमारा होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे वो जाके उसके बाद में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALT AST रेशियो इज इंक्रीज इन। ALT AST जो रेशियो होता है हमारा वो कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है। ऑप्शंस हैं बोन डिजीज, जॉन्डिस, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सिरोसिस में। इसका आंसर है सिरोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ALT इज फाउंड इन। ALT यानी एलेनाइन ट्रांसएमिनेस कहाँ पर फाउंड होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। ALT जो हमारा होता है वो साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है, और जो AST हमारा होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज इज इंक्रीज्ड इन, यानी GGT कब इंक्रीज होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एल्कोहलिज्म या फिर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में, सिरोसिस में या फिर हेपेटिक जॉन्डिस में। तो इसका आंसर है एल्कोहलिज्म एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पर GGT एंजाइम जो हमारा होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी।
इसके ऑप्शन हैं 0.2 to 1.0 mg पर डेसीलीटर, 0 to 0.2 mg पर डेसीलीटर, 3.5 to 5 mg पर डेसीलीटर या फिर 0.2 to 0.4 mg पर डेसीलीटर। तो इसका आंसर गाइस, जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही, 0.2 to 1.0 mg पर डेसीलीटर बिलिरुबिन की नॉर्मल कंसेंट्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस के टाइम पे इनमें से कौन सी चीज़ होती है? इंक्रीज इन ALT, AST, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इंक्रीज इन ALT एंड डिक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डिक्रीज इन AST एंड इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर डिक्रीज इन ALT, AST, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो इसका आंसर है इंक्रीज इन ALT, AST, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। हेपेटिक जॉन्डिस के टाइम पे हमारा ये सब इंक्रीज होते हैं, ALT, AST, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।